इस स्टेज से पूरी दुनिया को मैसेज देते हैं कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं और हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश का वफादार है, इस देश से मोहब्बत करता है। यहाँ छोटे लोग नहीं, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर, प्रोफेसर, बड़े बड़े मतलब हर जगह के ऐसे लोग आए हुए हैं जो आज इस स्टेज से बतलाएंगे कि हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे हदीस है कि वतन की मोहब्बत ईमान का जोश है, यानी कि आप जिस वतन में रहें वहाँ से मोहब्बत करें। अब हम यहाँ से पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहते हैं कि मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो हिंदुस्तान का वफादार है। वो चंद लोग जो दूसरे मुल्कों से, यानी कि जैसे पाकिस्तानी में फॉर एग्ज़ाम्पल लोग घुस के इंडिया में आ गए हैं और वो नारा मारते हैं कि हिंदुस्तान हाय हाय, या ये एक बेकार की बात है। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, इस वतन से मोहब्बत करता है। आज यहीं से ये पैगाम जाएगा। और ये मैं अपने ऐसे हिंदू संस्था जो थोड़े से हैं उन्होंने दूरी इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस स्टेज से ये भी दूरी करते हैं क्योंकि आज हिंदू भी आ रहे हैं, ये दूरी दूर करने की भी कोशिश करते हैं कि लोग जो आम हिंदू हैं उनके दिमाग में और दिल पे ये ना छाए कि मुसलमान यानी कि टेररिज्म। इस हिंदू, मैं खुद अपना अगर मिसाल दूँ, वैसे तो बहुत मिसालें हैं अगर पूरे देश में किस किस तरीके से मुसलमानों ने अपने सीने पर बम बांध के इस मुल्क की हिफाजत करी है। अब मैं ही हूँ, मैं 24 साल से तकरीबन टेररिज्म के खिलाफ जिस तरीके से काम कर रहा हूँ, अपने सीने से खून निकाल के पाकिस्तान के खिलाफ करता हूँ, बतलाता हूँ, चाहे वो कंधार रहा हो या बम्बई कांड रहा हो, हमेशा हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट, सऊदी के अगेंस्ट, आज सऊदी में 37 लोगों की, निर्दोष लोगों की जान ले ली, उसके खिलाफ भी यहाँ से आज बोला जाएगा कि किस तरीके से सऊदी एक्चुअली में वो फाइनेंस से आतंकवाद को पाल रहा है। सऊदी अरब छोटी चीज़ नहीं है, वो वहाँ कोई मज़हब का नाम ज़रूर मुसलमान मुल्क है, लेकिन वहाँ से दुनिया भर का टेररिज्म इकट्ठा है। वो फाइनेंस देके पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिलवा रहा है और काम उसका टोटल उसमें आतंकवाद फैलाने का, वहीं से सब लादेन पादेन सब ये सऊदी से ही निकल रहे हैं। वो ये मुल्क हो, हमारा इंडिया हो, इराक हो, सीरिया हो, जहाँ ईरान हो, तमाम मुल्कों में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है। एक इस प्रोग्राम से, ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है, यहाँ से मीडिया के थ्रू हमारे जितने शायर आए हैं वो अपनी शायरी के थ्रू और स्पीचेस के थ्रू पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पे अपने हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को और अपने देश की सरकार को ये बतलाना चाहते हैं कि हम लोग इमाम ज़माना के जन्मदिन के अंदर यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कि मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब हम एक हैं। उनके जन्मदिन पे यही मेरा एक पैगाम रहता है यहाँ से। यही नहीं है तो एक हॉल का मामला है, जब जब ऐसा वार हुआ या जब जब अटैक हुआ हमने हमेशा अपने मुल्क के फेवर में, मुल्क के लिए। अभी सडनली जब कश्मीर का कांड हुआ, मेरी गिरफ्तार भी हुई पाकिस्तान के अगेंस्ट, हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया था। जब जब होता है तो मुसलमान सारा निकलता है, ऐसा नहीं है कि वो शिया सुन्नी हो और हो, सब निकलते हैं बाहर और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए एक पैगाम देते हैं। आज हमारे यही एक मकसद है यहाँ से, इस स्टेज से। श्रीलंका में जो हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं श्रीलंका की बात करूँ या न्यूजीलैंड की बात करूँ, तमाम दुनिया में आज अफरा तफरी का मौका है जिसका जैक्शन टोटल सऊदी है। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सऊदी एक जैक्शन है क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है, पेट्रोल और गोल्ड का। वो पूरी दुनिया में आतंक फैला, उसने सबसे बड़ा अड्डा अगर बनाया है तो पाकिस्तान को अड्डा बनाया और छोटे छोटे मुल्क में अपने आतंकवाद भेज रहा है। पाकिस्तान को फाइनेंस कर रहा है कि हमारे मुल्क को कमज़ोर करो, लेकिन उसको या सऊदी को या और मुल्क जो भी इस हमारे मुल्क को चाइना के थ्रू कमज़ोर करना चाहते हैं, वो ये नहीं जानते कि यहाँ का मुसलमान अपने देश के लिए एक बहुत बड़ी पिलर है और ये मरने के लिए भी तैयार है। आज इस स्टेज से हमारे बड़े बड़े स्कॉलर यही पैगाम देंगे, हमारे शायर यही पैगाम देंगे। इमाम ज़माना की विलादत पे इमाम हुसैन का ये पैगाम था, इमाम हुसैन ने सबसे पहले आतंकवादियों को, यजीद को जो झेला है वो हमारी कम्युनिटी शिया ने झेला है, क्योंकि आज से 1400 साल पहले सबसे बड़ा आतंकवादी यजीद था जिसने इमाम हुसैन को कत्ल किया, गारत किया, इमाम हुसैन के कोई बच्चों को वहाँ कत्ल किया। तो हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, इमाम हुसैन का मानने वाला हमेशा अहम
आयम कायम और ज़िंदा और सबकी बात करता है, यही उसका पैगाम होता है कि इमाम हुसैन का पैगाम मैंने इस पर अपने बैनर पे दिए दिया, इमाम हुसैन का पैगाम इंसानियत के नाम, क्योंकि इमाम हुसैन ने किसी ज़ात का नाम लिया था, उन्होंने इंसान का नाम लिया था। ये भी कहा था कि वो यजीद था जो एक आतंकवादी था 1400 साल पहले, उसको कहा था कि अगर तू मुझे छोड़ दे, मुझे ना मारे, तो मैं वहाँ हिंदुस्तान चले आऊँ। तो इस हिंदुस्तान से जब यहाँ कोई मुसलमान नहीं थे, अगर आप हिस्ट्री पे गूगल्स पे जाएंगे 1400 साल पहले कोई मुसलमान नहीं था यहाँ हिंदू थे, फिर भी हमारे इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान का नाम दिया था। काहे के लिए दिया था? क्योंकि यहाँ मोहब्बत के लोग हैं, यहाँ एक दिल में मोहब्बत है, उसका एक पैगाम देके इमाम हुसैन ने 1400 साल पहले दिया। आज हम उनके मानने वाले अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, यही पैगाम देंगे, यही सारी ज़िंदगी रहेगा।